कमरा खाली है एक सिर्फ एक दिन की बात है। तुम्हारी मामा को फोन करती हूं। नहीं यार नहीं, वो मुझे मार देंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊंगा। वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर प्रैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे पता है आप लोग प्रैंक आप सुन के बड़ा खुश होते हो। तो आज का सीन ये है कि आज मैंने करना है अहमद की मामा पे प्रैंक। वो खुबैब का बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपने कल परसों की वीडियोस में उसे देखा भी होगा, अहमद को हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो उसकी मामा पे प्रैंक करना है और मुझे भी नहीं समझ आ रही कि उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या सीन होगा, बिल्कुल भी नहीं पता। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जाना है अहमद के घर, ठीक है। तो फिर फटाफट जो है रेडी शेडी होते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं। तो तैयार क्या होना है, हम इतनी जल्दी जो तैयार हो जाते हैं कोई मसला ही नहीं है। ए बूम, रेडी शेडी भी हो गए, ठीक है। जो है मैं उधर जाके आपको सारे सीन समझाता हूँ हम क्या करने लगे, वो उधर जाके मैं सारे सीन समझाता हूँ। चलो आओ फिर निकले। A few moments later. अहमद के घर तो हम आ चुके हैं। इन जालिमों ने क्या किया, अभी इसके घर में आया था और मैं कैंटीन पे गया था कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए, लेस वगैरह लेने के लिए। तो इस जनाब ने मेरे ऊपर कर दिया प्रैंक। ये हरामी भी जो मेरे साथ आया था ये भी इसके साथ मिल गया। मैं क्या करूँ, उसने मस्कीने वाला मुंह बना लिया था यहाँ पे प्रैंक का। अच्छा तो यार अभी तक जिसने अहमद को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके कर दो, और जो इसने मेरे पर प्रैंक किया वो भी जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसकी मामा पे करना था प्रैंक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यार और मामा जो है ना, अभी देखा मैंने नीचे जाके, मामा जो है ना सो गई है, थोड़ा उनको रेस्ट करने देते हैं। जैसे ही उठेंगी ना वैसे ही उनको कहूंगा, क्योंकि सो ही उठेंगी, मूड उनका ऑफ होना है, और जब प्रैंक करेंगे रिएक्शन भी गुस्से वाले आने तो चेस आ जाएंगे। मस्त प्लान है, बुलाया था मुझे प्रैंक के लिए, मामा के ऊपर करेंगे। इसने मेरे ऊपर ही प्रैंक कर दिया और उसके बाद अभी पता भी नहीं है कि मामा के ऊपर क्या प्रैंक करना है। अब सोचते हैं फिर बाद में दिखाते हैं कि वही डिसाइड वगैरह करते हैं क्या करना है। उतनी देर खुबैब भी आ जाएगा उसकी, इतनी देर शायद मामा भी इसकी एक दो घंटे तक उठ जाए। तो फिर प्रैंक वगैरह का सारा सीन जो है ना मैं आपको समझाता हूँ। तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, फिर बाद की बातें बाद में देखते हैं, ठीक है। यार खुबैब तो आ नहीं रहा था, पर हमने प्रैंक जो है ना बड़ा जबरदस्त सोचा। मुझे बोलते हुए भी ना थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है कि मैं क्या बोलूं। यार हमने प्रैंक ये सोचा है कि मैं मामा को उठा के ऊपर लूंगा, रेहान कहेगा आंटी मैंने जो एक लड़की पसंद है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो बाहर इतिहाद के गेट पे खड़ी है, तो उसको मैं आपके घर रख रहे, तो एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, अगले दिन जो है ना मैं कोर्ट मैरिज उससे कर लूंगा। मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो मुझे मार देंगे, अगर मैंने इस तरह का कोई एक्शन दिया तो वो मुझे मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ा आंटी को इमोशनल करूंगा कि आंटी मान जाएंगे रख लो, ये नहीं मानेंगे तो फिर आगे आपका भाई खुद ही सीन क्रिएट कर लेगा। तुम्हें पता है हर चीज जो सोचते हैं वो होता नहीं, मौके पे जो होगा वही आएगा। बात तो सही है। तो कैमरा सैमरा सेट करके दो तीन एंगल शेंगल मैं खुद ही जो है ना सेट करता हूँ। तो फिर आंटी को बुलाते हैं और फिर सीन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स गो। पर होगा बड़ा मजेदार जो भी होगा। अच्छा हमने डिसाइड किया है कि एक कैमरा जो है वो सामने जो कबर्ड है ना ऊपर, एक उधर लगाएंगे और एक इधर लगा देंगे कि कुछ भी हो सकता है। मैं अगर उल्टी पुल्टी हरकतें करूँ कि मैं मरने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, तो मैं इस साइड पे जब आऊँ तो यहाँ से भी रिकॉर्ड हो कुछ ना कुछ। पता नहीं क्या रिएक्शन हो गया कसम से, मुझे इतना वो हो रहा है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि फर्स्ट टाइम मैं इसकी मम्मा के ऊपर करने लगा हूँ। तो देखते हैं अब क्या बनता है क्या नहीं बनता, अब वो अल्लाह ही जानता है। क्या पता कुट पड़ जाए, क्या पता कुट ना पड़े। कुट तो नहीं पड़ेगी क्योंकि लेकिन वो समझाएंगी जरूर के बेटा है। अच्छा चलो जो भी है, पर मैं जरूर उल्टी हरकतें ऐसे करूंगा कि मजबूर करूंगा कुछ ना कुछ करें। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। प्लान्स जो है ना जीप पे जीप होते जा रहे हैं। अभी हमने कहा प्रैंक करते हैं, आंटी नहीं आई, आंटी नहाने चले गई, नहा के आई तो उसके बाद जो तो आंटी ने हमें रोटियां लेने भेज दिया। रोटियां की तरह भी रोटियां लेकर आए हैं, अब कोई खाना शाना खाने लगे, फिर उसके बाद ही प्रैंक होगा। और बार शाम होने को आ गई है, कैसी बात है। देखा फिर प्रैंक के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है, कितनी चीजें करनी पड़ती हैं, बंदे को खुद नहीं पता होता, सोच तो बंदा लेता है ये करना है। बात तो सही है। उनको टाइम नहीं मिल रहा हमारे पास आने का, जिसपे प्रैंक करना सारी गेम ही उन पर है हमारी। तो खाना शाना खाते हैं तो फिर से ट्राई करते हैं। खाना, ओ बॉय खाना भी आ गया टाइम से, ये चीज। अब ये खा के तो फिर से प्रैंक की तैयारी करते हैं।
शाबाश। अहमद लेने गया अपनी मामा को और अहमद बस जो है थोड़ी देर तक आने लगा, काफी देर हो गई, वो नीचे गया होगा और वो जैसे ही आता है क्या कर रहा है, बस उसकी मामा आने वाली होगी, हम जल्दी सीन स्टार्ट करते हैं। वही सुना नहीं है तुम्हें A few minutes later. यार उन्होंने मुझे पता नहीं करने देनी शादी मुझे। यार काट लेंगे यार, यार ऐसा कौन सा मसला होगा तुम्हें, ये तो यार उन्होंने मेरे पसंद की नहीं करने देनी, क्या कह रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। काट लेंगे तू एक बार उससे बात तो करके देखिए कोई तरीका है कि भाई तू उसे उठा के इधर ले आएगा। आंटी बात ये है कि तुम भाई जो जरा मसला है इतिहास सोसाइटी के पास मेरी गर्लफ्रेंड है वो खड़ी हुई है, तो आपकी इजाजत हो तो एक दिन के लिए मैं तो स्टे करवा सकता हूँ। कहाँ पे? आपके घर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अहमद क्योंकि घर वाले मुझे जो है ना इस तरह शादी नहीं करने दे रहे, तो कल मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। तुम्हारी उम्र है शादी की? 20 साल हो गई है। वो 18 को हो गया है, तुम 20 की हो गए हो। मैं कसम से 20 ईयर्स का, मेरे पास आईडी कार्ड भी है। गवाह मैं और सलानर को बैंक को देंगे। तो अपने प्यो ने भी कर लिया तू गवाह वो नहीं ना मान रहे, असल मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता। अच्छा मामा को मना मामा नहीं मानती? मामा नहीं, मामा नहीं मानते। तो पापा दोनों नहीं मानते? दोनों नहीं। तो तुम उनके बगैर शादी कर लोगे? कर ले आओगे? जाओगे कहाँ? मैं उसके बाद एक फ्लैट फ्लूट ले लूंगा। क्या बोला तूने? बस एक दिन के लिए जो है आप स्टे करवा लें। यार नहीं ऐसे नहीं ना होता, फिर ये तो भी बुरी बात है, ऐसे नहीं कर सकता। देख रहे तुम्हें तो कहाँ वो कमरा खाली है एक दिन के, सिर्फ एक दिन की बात है। वो लड़की भी गेट पे खड़ी है था आपके। तो वो आए क्यों है जब उसे हमने कहा ही नहीं तू आओगा छोड़ के आ गया है? उसने कहा है आपकी इजाजत लेनी है बस। मैं तुम्हारी मामा को फोन करती हूँ। नहीं आंटी मामा को नहीं करना, वो मार देंगे मुझे आंटी। नहीं मारती मामा, मामा मुझे फोन दे अहमद तू। अच्छा यार अहमद नहीं यार मैं ले गया यार, बात एक दफा हो जाएगी तो सारा क्लियर। यार नहीं वो मुझे मार देंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊंगा। आप बताए तो आपके क्या चल रहा था दिमाग में, क्या रखते कर रहा है? आंटी पे हो गया, आंटी जा रही है, आंटी ने पतली गली पकड़ ली है। एक लाइक सब्सक्राइब, थोड़ा रिव्यू तो बताएं अपना, ये कैसा लगा आपको? घटिया तरीन ये क्या कह रहा है यार, कते कर रहा है ऊपर से भाई साहब एंड हो गया। आंटी तो एक दफा सीरियस हो गई, आंटी ने जब पता नहीं कैमरा यार क्यों देख लिया,
कैमरा में उन्होंने देख लिया, बाकी जब ये गया उधर से देखा उन्होंने क्या गया ना वो ये वाला देखे नहीं, वो आंटी ने मुझे बताया जब वो वाला देखा टेरेस पे गया, मामा यूं बैठी है एकदम टेरी बाबा यूं तो यार ये वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू ब्लॉग न्यू प्रैंक, इसी तरह प्यार करते रहें और इस भाई को जरूर सपोर्ट करें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।